Here's to the good days, here's to the sorrows. This is a mistake. होम मेकर जब बन ही चुके हैं तो घर के काम करने में अब आलस नहीं आना चाहिए। आज आप लोगों के साथ मैं ऐसी होम मेकिंग की हैबिट शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोगों को खुद के ऊपर ध्यान देने पे तो मजबूर कर ही देगी, उसके साथ ही आप लोग अपने घर को मैनेज करेंगे बिल्कुल नए तरीके से। आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। वार्डरोब में जो भी आप लोगों ने अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करे हैं, अगर उन्हें हैंग करा है और वो शर्ट्स हैं, तो आप लोग उनके ऊपर के 3 बटन ज़रूर बंद रखिएगा। इससे शर्ट्स ओपन नहीं दिखती हैं, वार्डरोब मैसी नहीं लगेगी और उनकी जो प्रेस है वो ख़राब भी नहीं होती है। घर से बाहर जाने का कोई भी मौका मिलता है आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो उसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि होम मेकिंग का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ घर आता है, उसके अंदर आप भी आते हो। अपने आप को एंजॉय कराना भी मेरे ख्याल से एक उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल आप लोग प्ले करते हैं होम मेकिंग के अंदर। यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मेरे नए पड़ोसी आए हैं। हम लोगों ने गेट टुगेदर रखा है, चाय पे जा रहे हैं और यहाँ पे रेडी होने से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। इसके साथ ही आप लोगों को पता ही है दुख सुख की बातें करने को जहाँ मिलने वाली हैं तो रेडी होके जाना तो बनता ही है। जाने से पहले मैं हमेशा अपने घर के कुछ चीज़ों के ऊपर हमेशा ध्यान देती हूँ। गैस तो मैंने ऑन नहीं रखा है, मेरे जो पौधे हैं उनके ऊपर धूप तो नहीं लग जाएगी, तो इन सारी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने स्केड्यूल को इस तरीके से मेंटेन कीजिएगा कि आपके सारे दिन भर के काम आप लोग पूरे कर पाएं। वहाँ से वापस आने के बाद अगर मैं चाहती तो यहाँ पे एक कप चाय पी के एसी चला के शायद आराम से सो भी जाती, पर उसके बाद मुझे पता है आज दिन भर के जितने भी काम मैंने अपने सोच के रखे थे उन्हें ना ही मैं पूरा कर पाती और उसकी वजह से मेरे अगले दिन के सारे काम रुक जाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं सोनिया, चलिए काम पे चलते हैं, जो बचा हुआ काम है कम्प्लीट करना है बेबू के स्कूल से आने से पहले। टाइमर ज़रूर लगा लिया है मैंने यहाँ पे ताकि मुझे पता रहे कि 1 घंटे से ज़्यादा तो मैं इस रूम को नहीं देने वाली हूँ। सुबह यहाँ पे काम शुरू ज़रूर करा था पर जाने की वजह से मैं इस काम को बीच में ही छोड़ के चली गई। बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखने के लिए आप लोगों को बास्केट्स वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों के घर पर वेस्ट डब्बे हैं कलर कीजिए और उनके अंदर खिलौनों को आराम से रख दीजिए। अगर आप लोगों ने भी कभी अपने फ्रिज के लिए ये प्लास्टिक मेश ऑर्गेनाइज़र खरीदे थे तो आप लोग इनको भी यूज़ कर सकते हैं टॉयज़ रखने के लिए। बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके डायपर बैग को भी आप लोग यूज़ कीजिए उनके टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। यहाँ पे धूप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है पर मुझे लगा रोशनी कम है तो पर्दे हटा देती हूँ। फ़ैन चलाया है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। ये जो गद्दा हम लोगों ने इन बॉक्सेस के ऊपर रखा था मुझे अब इसे हटाना था क्योंकि इनमें से जो एक बॉक्स है वो पूरा टॉयज़ का है। बार बार बच्चे टॉयज़ मांगते हैं और बार बार गद्दे के साथ बॉक्स को खोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एक बॉक्स के अंदर मेरे सारे सर्दियों के कपड़े हैं जिन्हें धूप लगा के अब अच्छे से मैंने पैक कर दिया है। जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर विक्रम के सारे विंटर वेयर हैं, इन्हें भी धूप लगा के अच्छे से पैक कर दिया है। यहाँ पे हम जितने भी टाइम से हैं हमें कभी भी सर्दियों के कपड़े निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा जो बॉक्स है ये टॉयज़ का है, इसे मैंने अलग निकाल लिया है। यहाँ पे मुझे अरेंजमेंट चेंज करना है क्योंकि बच्चों के अब स्कूल की छुट्टियाँ होंगी, उन्हें खेलने के लिए पूरी जगह चाहिए, पूरी मस्ती करने के लिए उन्हें अपना एक कोना चाहिए घर में। रूम की क्लीनिंग अच्छे से करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जिनकी मुझे डस्टिंग भी करनी थी। बक्से जो हैं उनके कोने काफ़ी ज़्यादा नुकीले हैं, बच्चों को लग सकती है, इसीलिए मैं इसको कवर कर रही हूँ अपने पुराने एक ब्लैंकेट से। इसके अंदर जो टॉयज़ हैं उन्हें भी मैंने आज ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख दिया है। जो दूसरे 2 बक्से हैं उनके ऊपर सिटिंग अरेंजमेंट बनेगा, उन्हें भी अच्छे से कवर कर दिया है। थक गई हूँ, पानी यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पी लिया, इसके साथ ही बोर भी हो रही थी तो म्यूज़िक चला लिया है। अब आते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ये जो कारपेट है इसे वॉश कर दिया गया था काफ़ी पहले ही, अब मैं इसे यहाँ पे लगा रही हूँ।
गर्मियों के हिसाब से बेडशीट लगाना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता ही है। इसके साथ ही वाइट कलर को देख के काफ़ी कूल फीलिंग भी आती है। बेडशीट लगा दी है, ये लेकर आए थे स्केटबोर्ड बेबू के लिए। मैंने चलाने का ट्राई करा, एक बार बहुत बुरी तरह गिरी, अब वापस कोशिश कर रही हूँ। अगर अच्छे से सीख गई तो आप लोगों के साथ रील पे या शॉर्ट पे ज़रूर शेयर करूँगी। ये हम लोगों ने एक शू रैक बनवाई थी, ये काफ़ी अच्छे से बच्चों के रूम में सेट आ जाती है। एक लॉन्ड्री बास्केट मैंने रखी है जिसमें मैं बच्चों के काफ़ी सारी जो बॉल्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज कर लूँगी। कुछ टॉयज़ हैं जो कि वो फ्रीक्वेंटली खेलते ही रहते हैं, जैसे कि जिंगा हो गया या हाउस बिल्डिंग हो गई, इन्हें मैंने बाहर ही रखा है। बेबू का ये छोटा सा ड्रेसिंग कॉर्नर है, इसे मैं जितना क्यूट बना सकती थी उतनी मैंने पूरी कोशिश करी है। सारी चीज़ें बड़े अच्छे से इसके अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे मैंने लेजी सूजन का यूज़ करा है जो कि मुझे काफ़ी कम रेट में अमेज़ॉन से मिल गया था। इस पिंक बास्केट में बेबू के सारे एक्स्ट्रा हेयर बैंड्स रहते हैं और इस पाउच को रखा हुआ है जो कि हम लोग स्पेशली ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। जितने भी उसके पास हेयर एक्सेसरीज हैं, नेकलेस हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। एक ही पाउच को हमें रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने दो पिलोज भी लगा दिए हैं, इसके साथ ये कुशन भी लगा रही हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा बन गया है बच्चों के लिए। ये सीक्वेंस वाले कुशन कवर भी मुझे काफ़ी पसंद है, इनसे खेलती रहती हूँ। आदि का और मेरा ये फेवरेट गेम होता है इनके कलर्स को चेंज करते रहना। इस साइड टेबल का DIY मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करा था, इसे लगा दिया है। इसके ऊपर मैं एक प्लांटर रख रही हूँ, एक बहुत ही अच्छा प्लांटर आप लोगों के साथ किचन वेस्ट से बनाने वाली हूँ। आगे की वीडियोस में आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। 40-45 मिनट्स के अंदर मैंने इस रूम को अच्छे से बच्चों के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। मेहनत तो लगी है पर मेहनत मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी रंग लेकर आ गई है। आप लोगों को इस रूम का सेटअप कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने बताया गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर उसके बाद मैंने शावर लिया है और उसके बाद मैंने सोचा कि बार बार जब मुझे शूट करना पड़ता है ना तो नंगे पैर चलना पड़ता है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसलिए अब मैंने यहाँ पे सॉक्स पहन ली है और पैर भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फटने वाले हैं, तो मुझे लगा ये बिल्कुल बेटर ऑप्शन है घर के कामों को आसानी से करने के लिए। चलते फिरते भी अगर मेरी नज़र किसी भी चीज़ पे पड़ जाती है, जैसे कि ये फ्रिज के साइड में एक प्लांट रखा हुआ था, इसकी जो लीव्स थी ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा डस्ट से भरी हैं, उसके साथ ही इसके अंदर पानी भी कम था, तो वो मैंने यहाँ पे फटाफट से दे दिया, इसकी लीव्स को क्लीन कर दी। तो इस तरीके से मेरे काम का बोझ मैं अपने ऊपर नहीं बनाती हूँ, जो चीज़ मुझे जहाँ दिखती है वहीं के वहीं मैं उसे कम्प्लीट करती चलती हूँ। सेम उसी तरीके से किचन के अंदर घी की बर्नी ख़त्म हो गई थी, उसे भी मैंने फिल कर दिया। अगर आप लोग मीठे के शौकीन हैं और हलवा खा खा के बोर हो चुके हैं तो लापसी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है और इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पे एक कटोरी मैंने लापसी ली थी और उसे दो बड़े चम्मच घी के अंदर मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप लोग 5 या 7 मिनट इसे जब चलाएंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज होने लग जाएगा। इसको आप लोग टोटली मीडियम फ्लेम पे ही बनाइएगा, लास्ट में आप लोग लो फ्लेम कर सकते हैं ताकि वो जल ना जाए। यहाँ पे मैंने केटल के अंदर पानी को भी गर्म होने के लिए रख दिया है, जिसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ने वाली है। यहाँ पे मुझे लगभग 5 से 6 मिनट हुए हैं इसे चलाते हुए घी के अंदर, और देखिए इसका कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। गैस का फ्लेम आप लोगों को यहाँ पे लो रखना है और उसके बाद धीरे धीरे करके आप लोगों को 3 कप यहाँ पे गर्म पानी ऐड करना है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम लोग ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को बीच में चेक करते रहना है, मैंने 3 से 4 मिनट बाद चेक करा तो इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें कट कर लेंगे, बच्चों की पसंद के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो सारा पानी था वो आराम से ड्राई हो चुका है और ये देखिए कितनी खिली खिली बनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कटोरी गुड़ ऐड करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे गुड़ का पाउडर डाला है। मीठा आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके अंदर आप लोगों को फाइबर मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, आयरन की कमी है बॉडी में तब भी आप लोग इसे ले सकते हैं। गुड़ डालने के बाद ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा तो हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। मैंने यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड करा था ताकि वो बैलेंस कर पाए मीठे को। और यहाँ पे देखिए ये बन के बिल्कुल रेडी है 2 से 3 मिनट में। लास्ट में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी का और ऐड कर दिया है, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं, वैसे तो वो लोग खाते नहीं हैं घी।
पर इसके अंदर डालेंगे तो वो ज़रूर खाने वाले हैं। ड्राई फ्रूट्स आप लोग इसके अंदर डाल दीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। मैं अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाई, डाइट पे होने के बाद भी मैंने इसे अच्छे से खाया था। आदि ने भी अपना पूरा फिनिश कर दिया है। हम लोग चाहे कितने भी बिजी हो, थोड़ी सी मल्टीटास्किंग करके हम लोग अपने टाइम को अच्छे से यूज कर सकते हैं। होम मेकिंग के अंदर मल्टीटास्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो आप लोग भी इस तरीके से जब भी खाली बैठें तो उस टाइम पे कुछ प्री प्लानिंग कर सकते हैं अपने घर के लिए। जो भी आप लोगों को सामान मंगाना है, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम है, घर के किसी कोने को डेकोरेट करना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी प्लानिंग आप लोग जब खाली बैठते हैं तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आज के दिन के मैंने सारे टास्क अपने कंप्लीट करे और इस तरीके से बन जाता है मेरा आज का दिन भी प्रोडक्टिव। और अब पी रही हूँ मैं चाय, क्योंकि मेरा पूरे दिन के जितने काम थे उन्हें मैंने टाइम फ्रेम के अंदर ख़त्म भी कर लिया। कल का दिन भी मेरा प्रोडक्टिव बन जाएगा, इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ और अब आप लोगों के लिए मैं वीडियो की एडिटिंग करूँगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया था तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टिक ट्रंक, टेक केयर एंड बाय बाय।